गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा दल शिक्षण के प्रकार व उसके सोपान, यानी कि उसके निर्माण में हमें कौन कौन से सोपानों की आवश्यकता होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दल शिक्षण के अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत के बारे में वर्णन किया। अब जो मैं इस वीडियो में कर रही हूँ उसमें है हमारे दल शिक्षण के प्रकार व उसके सोपान, यानी कि उसके निर्माण की प्रक्रिया के सोपान। तो प्रथम है बच्चों हमारे दल शिक्षण के प्रकार। दल शिक्षण के प्रकारों को तीन भागों में इसका विभाजन किया है। ये विभाजन हमने इसलिए किया है कि कई बार हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो दल बनाते हैं हम किन किन आधारों पर उनका निर्माण कर सकते हैं, कितने प्रकार के हम दल बना सकते हैं, उसी के लिए दल शिक्षण में इनके प्रकारों का विभाजन किया है। जैसे सर्वप्रथम है एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय अध्यापक, यानी कि जैसे हमारा जो जिस महाविद्यालय में या विद्यालय में हम पढ़ते हैं उसी विद्यालय के अलग अलग विषय अध्यापक। कल मैंने आपको बताया था कि दल शिक्षण में कई बार ये होता है कि एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक हमारी कक्षा में आते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि विभिन्न विभिन्न विषय के ज्ञाता हमारी कक्षा में आते हैं। तो ये वही चीज है कि एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय अध्यापक, यानी कि उसी ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक। इसके लिए हमें जिस विद्यालय में हम संस्थागत है, जिस विद्यालय में प्रवेशित है, उसी विद्यालय के जो अलग अलग विषय के अध्यापक हैं, वो हमें अपनी कक्षा में आके और अपने दल के साथ हमें उन विषयों के बारे में अध्ययन करवाते हैं। कल मैंने ये चीज बताई भी थी कि दल शिक्षण से हमें इस चीज का प्रॉफिट मिलता है कि जहां हम एक विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ हम दूसरी विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा कब होता है हमारे साथ, जब हम सेकेंडरी लेवल पे या हाई सेकेंडरी लेवल पे हम पढ़ते हैं तो हमारे पास, जैसे हम टेंथ में एक ही कक्षा में हम पढ़ते हैं, अलग अलग विषय के हमारे हमें अध्यापक उन विषयों का ज्ञान देकर जाते हैं। इससे हमारे जिस विषय का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान में हमारी बढ़ोतरी होती है और हम ज्यादा से ज्यादा उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो प्रथम प्रकार हो गया इसका एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय अध्यापक, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर। सेकंड है हमारा अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे कॉलेज में हम जब या विद्यालय में हम ऐसा आयोजन करते रहते हैं जिसमें हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में दूसरे विद्यालय महाविद्यालय के टीचर्स को हमारे यहाँ आमंत्रित करके और हम उस विषय के बारे में जिस विषय का हमने हमारे महाविद्यालय के अध्यापक से वो शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन उसी टॉपिक और उसी विषय के अंदर हमें दूसरे विद्यालय के या दूसरे महाविद्यालय के अध्यापक आकर हमें उस विषय का ज्ञान भी देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों कि ये कि जो हमारे विषय अध्यापक ने हमें विचार बताया उसके साथ साथ हमें नए विचार और नए ज्ञान की प्राप्ति जब हमारे दूसरे विद्यालय के विषय अध्यापक आ रहे हैं तो उनसे हमें उस ज्ञान के बारे में और ज्यादा जानकारी होती है। यानी अब आप जान सकते हैं कि इस चीज से क्या होता है कि जहां हम एक ही व्यक्ति के विचार और उसके विषय के बारे में उन्हीं से वो विषय पढ़ रहे थे, अगर हमें दूसरे व्यक्ति दूसरे शिक्षक हमें उस विषय का ज्ञान देते हैं, अपने विचार हमें प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होगा उस विषय में हमारी जो कमांड है वो बहुत मजबूत हो जाती है, या हम कहें कि उसे हम और अच्छे से समझने लगते हैं। जहां हमारा एक ही तरीका था समझने का, हमने एक ही विचार एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा था, उसके साथ साथ हमारे विचारों में भी बढ़ोतरी होती है, या हम कहें कि हम दो ग्रुप भी देखना शुरू कर देते हैं, तो वो ज्ञान जो हमें दूसरे विषय दूसरे अध्यापक से प्राप्त हो रहा है उस विषय का, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है जो हमें कई बार पता नहीं होती, तो हमें उस चीज के बारे में पता चल जाती है, यानी कि बहुत कुछ बारीकी से हम उस चीज के बारे में सीख सकते हैं। तो विद्यालय के एक ही विषय के अलग अलग विद्यालय
विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक हमें वो ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। ये मानते हैं ना हम कि ज्ञान जो देने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, और ज्ञान में भी सभी का स्तर एक नहीं होता। तो यहाँ उसी स्तर की हमारे अंदर बढ़ोतरी होती है जब हमें दूसरे विद्यालय के शिक्षक हमें ये ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। थर्ड आता है हमारा अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक, यानी कि दूसरी फर्स्ट था हमारा एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के, यानी कि विद्यालय है लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग। फिर था हमारा अलग अलग विद्यालय के लेकिन हमारी सब्जेक्ट है जो विषय हम पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये है कि अलग अलग विद्यालय के हैं और एक ही विषय के क्या है वो, अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के, यानी अलग अलग विद्यालय के हैं वो और अलग अलग विद्यालय के साथ साथ उनकी विषय भी क्या है, अलग अलग है। यानी अलग अलग विद्यालय के, अलग अलग विद्यालय के और विषय भी कैसी होगी उनकी, अलग 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 विद्यालय के अलग अलग विषय अध्यापक। यानी कि यहाँ पर अलग अलग विद्यालय के भी हैं और अलग अलग अपने विषय अध्यापक भी हैं। स्कूल भी जहाँ से वो आ रहे हैं वो भी अलग है, साथ में उनका विषय अध्यापक भी अलग अलग है। तो ये हमारे इसके प्रकार बताए थे कि जो हम इसमें क्या होता है गर्ल शिक्षण में, यहाँ अलग अलग विषय अध्यापक आ रहे हैं, ये विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। यानी कि विशेषज्ञ जो हमारे पास यहाँ विषय विशेषज्ञ आते हैं उनके लिए, यानी कि हमें जब विषय का ज्ञान देते हैं तो वो विषय का ज्ञान कौन देता है हमें, उस विषय के ज्ञाता, यानी कि विषय विशेषज्ञता। तो इसमें बताया कि अलग अलग विद्यालय के अलग अलग, यानी कि विद्यालय भी अलग होगा और सब्जेक्ट भी उनका अलग होगा। तो ये हमारे लिए दल की जो टीम टीचिंग बनाई जाती है, ये टीम टीचिंग हमें इसीलिए बनाई जाती है कि किस तरीके से हम कक्षा में जो उनकी संख्या, छात्रों की जो संख्या और आकार होता है उसके आधार पर हमें एक से अधिक शिक्षक किस तरीके से उसका ज्ञान प्रदान करते हैं, इसके बारे में हमारे इसके तीन प्रकार हो गए। प्रथम एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय अध्यापक, अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक, और फिर हमारे अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय अध्यापक। इसे हम श्रृंखला तंत्र आधारित दल भी कह सकते हैं, जो हमें अपनी क्रम के अनुसार, अपनी श्रृंखला के अनुसार हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। अब आता है बच्चों हमारे पास इसके सोपान, यानी कि प्रक्रिया के सोपान। जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं दल शिक्षण को, तो हमें किन किन सोपानों का हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ हमारा तीन सोपान है इसके। प्रथम सोपान है हमारा प्रकरण का चयन, सेकंड सोपान है हमारा द्वितीय व्यवस्था और क्रियान्वित करना, थर्ड है इसका मूल्यांकन करना। इन तीन सोपानों के आधार पर हम दल शिक्षण को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। ये इसके तीनों सोपान है। तो प्रथम था इसका प्रकरण का चयन। हम जानते हैं कि जब भी हम जब कोई टॉपिक या विषय का ज्ञान देते हैं विषय हमें टीचर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी समस्या अर्थात अपने प्रकरण का चयन, ये करना हमें सबसे अनिवार्य, क्योंकि जब तक हमारे पास हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसका ज्ञान क्या देंगे। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक का चयन करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं कि हमें इसके बारे में क्या ज्ञान देना है। तो प्रथम हो गया हमारा प्रकरण का चयन, जो हमारी सर्वप्रथम प्रक्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जब हम प्रकरण का चयन करते हैं तो शिक्षण के उद्देश्यों का हम प्रतिपादन करते हैं, यानी कि उन उद्देश्यों को हम निर्धारित करते हैं उस प्रकरण के अंदर, जो कि हम उस प्रकरण को लेकर जो हमारे उद्देश्य लेकर चलते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि इससे संबंधित हमारे जितने भी हमने इसके उद्देश्य सोच रखे हैं शिक्षण को प्राप्त करने की, उन उद्देश्यों का हम प्रतिपादन करें, उन्हें संगठित करें, या फिर हम कहें कि उसके अंदर उनका समावेश करें, उसका उसके अंदर स्थापना कर दी जाए, प्रतिपादित कर दिया जाए, जिससे कि हमारे
टॉपिक से संबंधित हमें सारा शिक्षण प्राप्त हो। सेकंड है व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में। जब हम शिक्षण करवाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है, शिक्षण का जो उद्देश्य है बच्चों ये आप सब जानते हैं, इसका उद्देश्य होता है व्यवहारगत परिवर्तन लाना। यानी कि छात्र के अंदर, छात्रों में क्या करते हैं अपना व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन यानी कि जो प्रकरण जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चे ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यवहार में उससे संबंधित परिवर्तन लाए। क्योंकि जब बच्चे उस चीज का ज्ञान उनके पास नहीं था तब तक उस चीज के बारे में पता नहीं। लेकिन शिक्षण का ये शिक्षण प्रक्रिया के ये है प्रक्रिया होती है अधिगम की, कि जब हम शिक्षण करवाते हैं उसके बाद में उसका उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आए। और परिवर्तन किस रूप में आता है, उस चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि बच्चे जब तक हम उस चीज का नहीं था तब तक उससे अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन जब वो उस चीज को बताते हैं तो उनके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है क्योंकि उस चीज के बारे में उन्हें ज्ञान हो जाता है। थर्ड है इसका आरंभिक व्यवहारों की पहचान। जब हम प्रकरण का चयन करते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने आरंभिक व्यवहारों की पहचान करना शुरू करते हैं। वो किस तरीके से बच्चों, जो हम प्रीवियस नॉलेज होती है, बच्चा ये कोशिश करता है कि इस चीज के बारे में हमें पहले कितनी हमें नॉलेज है, वो अपने आरंभिक व्यवहारों की, अपने आरंभिक जो उनके पहले उस ज्ञान से संबंधित उनके जो उनके ज्ञान था उनका, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि हमें इस चीज का ज्ञान पहले कितना था, तो वो अपने इससे क्या करते हैं, अपने आरंभिक व्यवहारों की पहचान करना शुरू कर देते हैं कि हमें पहले इस चीज के बारे में कितना ज्ञान था। हम देखते हैं कि अगर टीचर भी हमें पढ़ाते हैं तो पहले सर्वप्रथम वो हमारे प्रीवियस नॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, जो विषय हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी आरंभिक प्रारंभिक स्थिति बच्चों के लिए क्या है, बच्चे उसके बारे में कितना जानते हैं, ये इसकी आरंभिक होता है। तो इसमें कहा जाता है कि जब हम शिक्षण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, प्रकरण का चयन करते हैं प्रथम में, तो बच्चे क्या करते हैं अपने आरंभिक व्यवहारों की पहचान करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें इस चीज के बारे में कितना ज्ञान प्राप्त है। फिर टॉपिक है हमारा प्रकरण के संबंध में निर्णय। जब हमें बच्चा जब यहाँ पर अपने व्यवहारों की पहचान करता है, अपने उद्देश्य निर्धारित करता है, तो उससे संबंधित निर्णय भी लेता है कि हमें इस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या नहीं, या हमें चाहिए तो कितना, अर्थात वो अपने भविष्य में उसके लिए कितना उपयोगी होता है। क्योंकि बच्चों ये हम मानते हैं कि जो शिक्षा हम लेते हैं आज की, वो शिक्षा जब तक हमारे लिए हमारी आगे की जो भविष्य के लिए कहते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है तो हम उस चीज का ज्ञान नहीं लेते हैं। तो इसमें यही है कि प्रकरण के संबंध में वो तभी निर्णय लेते हैं अगर वो उसके लिए उपयोगिता, अर्थात हम देखें तो यहाँ हमारे प्रकरण की उपयोगिता पर आधारित होता है। जितना हमारा टॉपिक हमारे लिए उपयोगी होगा हम उससे संबंधित निर्णय पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर प्रकरण के संबंध में वो निर्णय लेते हैं। फिर आता है शिक्षक के लिए संभावित रूपरेखा। जब हम प्रकरण का चयन करते हैं ये हम मानते हैं कि हम एक काल्पनिक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हमें इस तरीके से इस कार्य को संपादित करना है, तो ये एक संभावित रूपरेखा बनानी होती है कि हमें इस प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ये नहीं होता कि हाँ वो फिक्स हो जाती है, सिर्फ एक संभावित होती है, काल्पनिक होती है कि हमें इस कार्य को इस तरीके से करना है, उसमें फिर बदल हम जरूर कर सकते हैं। फिर है अनुदेशन का स्तर, कि सीखने का जो सूचनाएं हम प्राप्त कर रहे हैं उस सूचनाओं का स्तर क्या है, जिनसे हमें इसका अनुदेशन प्राप्त हो रहा है उसका स्तर क्या है, ये सब चीजें हम इसमें ग्रहण करते हैं कि जो स्तर हमारा है, जो अनुदेशन करवा रहे हैं उसका स्तरीकरण देखना पड़ता है। क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चे अपने स्तर के अकॉर्डिंग ज्ञान ग्रहण करते हैं और शिक्षक हमेशा जो हमारे अनुदेशन होते हैं शिक्षक बच्चों के स्तर को देखते हुए उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर इसके लिए हम कहें तो इसके लिए एक चीज चाहिए थी, लोकतंत्र पर आधारित होती है क्योंकि ये लोकतंत्र विधि पर, क्योंकि बच्चों इस चीज को हम भी जानते हैं कि यहाँ पर सब चीज क्या आ रही है, पहले भी कि छात्र पहले हम उद्देश्य का प्रतिपादन करते हैं, फिर यहाँ छात्रों में हम व्यवहारगत परिवर्तन लाते हैं, फिर हम उनके आरंभिक व्यवहारों की पहचान करते हैं, फिर प्रकरण के संबंध में निर्णय लेते हैं, यह
चेंजेस भी कर सकते हैं, शिक्षकों की राय पर हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आप मानते हैं कि इस प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों की अहम भूमिका होती है। तो ये हमारी एक लोकतंत्र प्रणाली के आधार पर, जिस तरह से हमारे शासन में जनता का बराबर का हक अधिकार होता है, उसी तरीके से यहाँ पर छात्र का भी, शिक्षक और छात्र दोनों की अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम सिंपल भाषा में से ये कह सकते हैं कि ये एक लोकतंत्र विधि हो जाती है, जिसके आधार पर शिक्षक अपने विषय वस्तु का चयन करता है और छात्र उससे संबंधित अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर आती है हमारी व्यवस्था क्रिया में। यहाँ हम ओनली अपने टॉपिक का चयन करते हैं। अब उसे हमें व्यवस्थित कैसे करना है, अर्थात हम देखते हैं उसका क्रम निर्धारित करना होता है, क्रियान्वित करना होता है कि किस स्टेप से हमें इस कार्य को करना है। तो यहाँ हम इन सब चीजों का चयन करने के बाद में यहाँ लाकर हम उसे व्यवस्थित करते हैं कि किस तरीके से हमें इसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आता है हमारा अनुदेशन स्तर। यहाँ जब हम क्रियान्वित करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, अनुदेशन स्तर, यानी कि जो सूचनाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, जो सूचनाएं हमें दे रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त करने वाले हैं, इन सब के हम स्तर को देखते हुए उन सूचनाओं का हम चयन करते हैं, उन सूचनाओं को उन स्तर के अकॉर्डिंग हम क्रमबद्ध करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि कौन सी सूचना हमें किस समय उस सूचना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम उस अनुदेशन का स्तरीकरण करते हैं उस स्तर के अकॉर्डिंग कि जब हमें जिस सूचना की आवश्यकता हो वो हमें प्राप्त हो जाए। फिर है और इसी के आधार पर, इस स्तरीकरण के आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए जो हम प्रीवियस प्रश्न बनाते हैं उसमें हम छात्रों के स्तर का पता करते हैं, वो प्रश्न हम निर्धारित करते हैं कि किस तरीके से हमें इन बच्चों से उन सूचना के बारे में प्राप्त हो सकता है जो सूचना हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उनके प्रारंभिक प्रश्नों का स्तर भी हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि बच्चों का लेवल किस अकॉर्डिंग हम बच्चों से प्रश्न पूछें। फिर है संप्रेषण की प्रवृत्ति का चयन। हम मानते हैं कि हमारे शिक्षण में संप्रेषण की सबसे अहम भूमिका होती है कि हम उसे टीचर किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए हम हमारे लिए हमारा जो संप्रेषण होता है, जब तक हमारा संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा तो शिक्षण भी प्रभावी नहीं होता। इसके लिए संप्रेषण के लिए हम यहाँ पर अपनी प्रविधियों का चयन करते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को समझाना है जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, और साथ में जो शिक्षक अपने उद्देश्य लेकर चल रहे हैं बच्चों से तो वो उद्देश्य की प्राप्ति ही हो सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रविधियों का चयन करते हैं कि किन किन विधियों के माध्यम से जो शिक्षण देना चाह रहे हैं उनके लिए वो किन किन विधियों का चयन करते हैं। फिर है नेतृत्व, क्योंकि बच्चों जब हम प्रविधि का चयन करते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो हमारा नेतृत्व करते हैं, जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं कि हमने वो कार्य किस तरीके से किया है, या हम कहें नेतृत्व करते हुए नेतृत्व की हमें जरूरत होती है, कहां हम किस तरीके से गलती कर रहे हैं, उन गलतियों का पता हमें चलता है और उसके द्वारा हमारे शिक्षण में हम सुधार करते हैं, जहां हमारी त्रुटि पाई जाती है हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अनुसरण क्रियाएं, क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो फॉलो तो हम करते ही करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि शिक्षक हमें क्या सिखा रहे हैं, जब तक शिक्षार्थी उनका अनुसरण ना करें तो वो शिक्षण कैसा होगा, अप्रभावी, यानी कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिससे कि शिक्षक छात्र उनका अनुसरण करे। तो यहाँ पर जब शिक्षक हमें शिक्षण करवा रहे हैं तो छात्र क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और वो उन क्रियाओं को दोहराते हैं, वो उन सारी अनुसरण क्रियाओं को करते हैं जो कि शिक्षक ने उनसे करवाई। फिर है पर्यवेक्षण, यानी कि इन सब विधियों का नेतृत्व हमारे पर्यवेक्षण करते हैं हमारे शिक्षाविद, जिनके हमारे जो सोपान होते हैं, हमारे जो दल के अध्यापक होते हैं, इन बिंदुओं को एक सरल तरीके से हमें क्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं कि हमने कहाँ पर इनकी जो क्रियाएं की है, जो अनुसरण क्रियाएं किया उनमें कहाँ गलती रही है, या हम कहें कि वो अपना समुचित जो होता है उसका शॉर्ट में जो हमें बताते हैं वो हमें पर्यवेक्षण के द्वारा पता चलता है। हम देखते हैं बच्चों जब हम कोई कार्य करते हैं, नीचे हम लिखते हैं पर्यवेक्षण टिप्पणी, तो वो शॉर्ट में हमने जो भी
कमी नहीं है या हमने जो अच्छा कार्य किया है वो शिक्षक हमें यहाँ देते हैं, या हम कहें कि हमें आगे के लिए हमारे रास्ता दिखाते हैं, सरल तरीके से हमें स्पष्ट करते हैं कि हमने कहाँ इसमें गलती की। लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन। जब हमारा कार्य पूरा होता है, हम यहाँ पर हमारे टॉपिक का चयन करते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित के बाद में हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने वो कार्य किस तरीके से, एक तरीके से हम कहें कि हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कार्य हमने किया उसका प्रतिफल हमने कितना प्राप्त किया। उसके लिए हम क्या कहेंगे कि सब उसमें हम करते क्या है, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं प्रविधियों द्वारा हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं कि शिक्षक ने जो पढ़ाया है किन किन विधियों के द्वारा पढ़ाया, फिर उन्हीं विधियों के द्वारा वो बच्चों से उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, उन प्रविधियों के द्वारा वो छात्रों का मूल्यांकन करते हैं कि जो जिस मेथड से शिक्षक ने पढ़ाया है उसे बच्चों ने कितना समझा है। फिर है छात्रों की निष्पत्तियों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति संबंधी निर्णय, यानी कि हम जब निष्कर्ष निकालते हैं, हमारे सामने जब हम पूरा कार्य करते हैं तो उसकी निष्पत्ति, उसका निष्कर्ष हमारे सामने आता है और हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में निर्णय लेते हैं कि उन उद्देश्यों की हमने कहाँ तक प्राप्ति की है, या हमने प्राप्ति की है या नहीं की है, या हमें इसे पुनः ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि मूल्यांकन में हमने देखा है कि कई बार हम जिस उद्देश्य को, उद्देश्य की प्राप्ति लेकर चलते हैं, जब उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है तो उस प्रक्रिया का हमें पुनः दोहरान करना होता है। तो ये हमें कहाँ जाकर पता चलता है, हमारे मूल्यांकन में। फिर है निदान कर उपचार, यानी कि हम उन समस्याओं का निदान करते हैं और उसके बाद में उन समस्याओं का जब हमारे पास पता चलता है निदानात्मक में, हम उन समस्याओं का पता करने के बाद में हम उसके लिए उपचार करते हैं, अर्थात आगे हमें क्या करना है ये हम बच्चों को बताते हैं। योजना सोपान तथा व्यवस्था सोपान में सुधार। लास्ट में इन पॉइंटों के आधार पर मैंने बताया था आपको कि मूल्यांकन के आधार पर ही हम हमारी प्रक्रिया में कहां कमी रही है, उस त्रुटि को हम जानकर और उसको, उस त्रुटि के बारे में हम जानकर कि हमारे किस सोपान में हमारी त्रुटि रही है, फिर हम उसे इसमें सुधार करते हैं और इसे हम पुनः ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये था बच्चों हमारे आज के दल शिक्षण के प्रकार व दल शिक्षण के सोपान, इनके आधार पर मैंने आज आपको दल शिक्षण के बारे में बताया है। धन्यवाद।